नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने आज जानकारी दी कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 12:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भतीजे अजित पवार के साथ पुणे में हुई उनकी मुलाकात को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। पवार ने बारामती में कहा कि MVA एकजुट है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की अगली बैठक का सफल आयोजन किया जाएगा। बता दें, एकनाथ शिंदे नीत सरकार में 2 जुलाई को अजित पवार के शामिल होने के बाद 82 वर्षीय दिग्गज राजनेता पहली बार अपने गृहनगर पहुंचे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-3 के अंतर से हार गई। इस हार के बाद भारतीय टीम को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी भारतीय टीम के रवैये पर और मैनेजमेंट के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि जो टीम 2022 T20 विश्व कप में जगह नहीं बना पाई थी, उसके खिलाफ T20 सीरीज हारना शर्मनाक है। पहाड़ों पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जहां बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं शिमला में एक शिव मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसके मलबे में करीब 40 लोग दब गए। मलबे से 3 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उधर उत्तराखंड में भी बारिश की तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह लैंड स्लाइड हो रही है। इसी वजह से कई सड़कें बंद हो गई है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं कुछ के रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। रिलीज डे पर इस फिल्म ने 40 करोड़ की कमाई करके सभी को हैरान कर दिया था। वहीं 3 दिन में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 अगस्त तक उम्मीद जताई जा रही है फिल्म 175 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। लोगों को फिल्म खूब पसंद आ रही है। हालांकि जिन लोगों ने रविवार के लिए नोएडा के लॉजिक्स मॉल के थिएटर में टिकट बुक किए थे, उन्हें एक खराब अनुभव से गुजरना पड़ा। भारत ने शनिवार 12 अगस्त को वेस्टइंडीज को 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। अब 5वां और निर्णायक मैच रविवार को खेला जाएगा। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में भारत की यह वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 5वीं जीत है। उसने 2019 और 2022 में 2-2 मैच जीते थे। यहाँ टीम इंडिया सिर्फ एक मैच 2016 में हारी थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल सुरजेवाला ने यहां विवादित टिप्पणी करते हुए भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस बता दिया। इसे लेकर अब भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ वोटरों की बेइज्जती कर रही है बल्कि उन्हें श्राप भी दे रही है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं और 2024 में साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य बलों के 954 पुलिस कर्मचारियों को सेवा पदक देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 230 कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक PPMG भी शामिल है। बता दें, CRPF अधिकारी लोक रागपाम इबोमचा सिंह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें PPMG पदक से सम्मानित किया जाएगा। उनकी सेवाकाल में यह दूसरा वीरता पदक है। वहीं विशेष सेवा के लिए 82 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 642 पुलिस पदक दिए जाएंगे। सावन महीने के 6वें सोमवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान भोले शंकर से सभी नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में CM योगी ने भोलेनाथ को बेलपत्र कमल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद दूध फल के रस व जल से अभिषेक किया। मठ के मुख्य पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी व अन्य आचार्य एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्याय के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर ने निर्माता अमित दानी को झटका देते हुए फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया है। इस बात की जानकारी सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने दी है। सीमा के वकील AP सिंह ने बताया कि सीमा ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। हाल ही में अमित दानी ने सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा अमित दानी ने सीमा को उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर बना रहे अपनी में काम करने का ऑफर दिया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।